एक मिनट एक मिनट, मैडम आपने झूठ क्यों बोला? ये मालकिन हूँ क्या? अरे कुछ नहीं, ये ना मुझे किचन में काढ़ा बनाने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे, कह रहे थे सिर्फ इनके मालिक है जो किचन में आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। तो मैंने भी कह दिया मैं मालकिन हूँ, तभी तो काढ़ा बना पाई, वरना ये मना कर रहे थे। अच्छा, आपके चक्कर में मैंने मालिक को कह दिया कि मालकिन आई है, और मालकिन पूरी मैडम की माँ है, मतलब पूरी मैडम मालिक की बेटी। मतलब कोई बात नहीं, मतलब जानने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपकी बातें ना बहुत कंफ्यूज कर देती है मुझे। आपने अभी भी जो बोला ना सर के ऊपर से चला गया, पर कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया और हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने मालिक को नमस्ते कह दीजिए, ठीक है? बाय। मैडम कंफ्यूज तो आपने कर दिया। विनोद, विनोद आया मालिक? अरे आना नहीं है, रोको उसको। किसको? तुम्हारी मालकिन को, और किसको? मालिक, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मालकिन नहीं है। तुम बहुत कंफ्यूज करते हो कसम से, मैं देख लेता हूँ। हेलो सर। हाय। हमें डॉक्टर ने बुलाया था। जी मैं जानता। अब लोग आ गए, इंजेक्शन वाला सब लाया है ना? हाँ जी। चलिए उस रूम में। पूर्वी की मम्मी तो चली गई, फोन पे बात करनी पड़ेगी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलिए। अभी भी कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। आई होप कोई मिल जाए। पता है सेम चीज हुई थी जब मैं आरवी को ढूंढने गई थी। हाँ, क्या हुआ? बहुत अच्छी। मतलब? मतलब ये कि बहुत नेक दिल है, साफ दिल है, बहुत अच्छी। और तेरे बारे में सोचती भी हूँ ना तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हाँ मैं सच कह रही हूँ, बोलने दे मुझे। जिस तरह तूने मदद की ना आरवी की, बहुत अच्छा काम किया। तेरे बारे में कोई कुछ अच्छा बोलता है ना तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। और तेरे साथ वो मिस्टर केके, वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तेरी मदद की ना, अगर वो मदद नहीं करते तो शायद तू आरवी की मदद नहीं कर पाती। हाँ माँ, सच कह रहे हो, सच में वो बहुत अच्छे इंसान है। पता है कोई ऑटो नहीं मिल रहा था और लकीली वो वहाँ पर आ गए, और मुझे लगता है उनकी वजह से ही मैं आरवी के पास टाइम से पहुँच पाई। और उसके बाद भी उन्होंने कितनी हेल्प की, डॉक्टर को बुला लिया, और सच में बहुत अच्छे इंसान है। माँ हम तो उनसे मिले ही नहीं, उन्हें बाय नहीं कहा हमने। मैं उनसे मिलकर आऊंगी। रुक जा, अभी ना बहुत लेट हो गया है, बुआ जी के बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए और तुझे पता ही है ना वो फिर परेशान हो जाएंगी। हम चलते हैं, एक काम कर, तू फोन कर और आराम से उनसे बात कर, ठीक है? मेरी तरफ से भी थैंक यू बोलना। अभी कॉल करके? हाँ तू कर, ट्राई कर। रिक्शा लग नहीं रहा, नेटवर्क। ट्राई करते रहना, लग जाएगा। ठीक है ठीक है, चलिए सीधा चलिए। तो आरवी, अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? आई एम फाइन, इतनी चिंता मत कीजिए, और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ओके? कल को आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं भी आपके लिए ऐसा कुछ अच्छा करूं, क्योंकि आपका ये एहसान हो जाएगा ना मुझ पर। इतना बड़ा मेरा नाम है, उससे बहुत बड़ा मेरा दिल है, और मैं एहसान करता नहीं इतनी आसानी से। जब मैं एहसान करता हूँ ना तो याद नहीं रखता। तुम्हारे लिए नहीं किया मैंने ये सब, मैंने ये सब पूर्वी के लिए किया है। अपनों के लिए मैं ये सब कर सकता हूँ। So don't take it personally. Doctor, are we done? Harvey. Bhai. Thanks. आपने जो आरवी के लिए किया। आप कौन? मेरे भाई हैं। मैंने कॉल किया था। Thank you, doctor. Welcome. Okay, KK. मैं चलता हूँ। Thank you so much, doctor. भाई, तू ठीक है ना? माँ बहुत चिंता करी थी यार। मुझे लगा ही था। पर अब वो ठीक है ना? बेटर है, लेकिन तुझसे मिलने के बाद ही पूरी तरह से ठीक होगी। चल चलते हैं, आ जा। हाँ, लेट्स गो। आराम से। गेट वेल सून आरवी, अपनी तबीयत ठीक कर लो, वरना तुम्हारे साथ मुकाबला करने में मजा नहीं आएगा। आई विल सी यू इन द बिजनेस ग्राउंड। ये क्या, कोई भी चोट मुझे बिजनेस ग्राउंड में फाइट करने से नहीं रोक सकती। आई एम रेडी फॉर इट। आगे तुम दोनों, मैं बस फोन ही करने वाली थी। कैसे आ रही है अब? ठीक है अभी। क्या हुआ आरवी, ठीक है ना? चोट तो नहीं आई ना उसे? आई ना दिया, हे भगवान, बहुत ज्यादा चोट आई है क्या? हाँ बड़ी माँ, बहुत खून भी बहा, बेहोश हो गया था। अच्छा हुआ मैं टाइम से पहुंच गई, पर अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन ख्याल कहाँ रखता है वो अपना? मतलब
इतना दर्द में था फिर भी बातें किए जा रहा था, बेड से भी उठ रहा था बार बार। मैंने डांटा उसे, पूछो माँ से, और फिर जब माँ ने कहा ना लेट जाओ तब जाके लेटा वो, और जब माँ काढ़ा देने आई वो भी नहीं ले रहा था, उसमें भी 10 सवाल करे जा रहा था। फिर पिया उसने? हाँ पिया ना, माँ थी सामने कैसे नहीं पीता। अच्छा लड़का है वैसे, है ना? हम तो वहाँ रुकना चाहते थे क्योंकि वो अकेला था ना, पर उसने उसने कहा कि मेरी वजह से परेशान मत हो, घर चले जाओ। लेकिन मैंने कहा कि परेशानी वाली बात क्या है, लेकिन उसने कहा कि आप लोग घर जाओ, जाकर खाना खा लो। हाँ तो चलो खा लेते हैं, बाकी सब खाना खा के सो गए। मतलब आप लोगों में से किसी ने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं। पर क्यों? अरे कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है? माँ वो बीना जी का ना फोन आया था, इसका बनाया खाना सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ करी थी, थैंक यू बोल रही थी, मैंने तुझे बताया ना पूर्व। माँ मैंने सबके लिए डिनर बनाया, आप लोगों में से किसी ने नहीं खाया। क्यों? कैसे खाते? वो लोग तेरे और आरवी के बारे में क्या क्या बोल रहे थे? चलो बेटा खाना खा लेते हैं। क्यों? सही तो बोल रही हूँ ना मैं। और मासी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्या सुनाया आपने उन लोगों को, कैसे सॉरी बोल रहे थे बाद में। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ इतना कुछ हुआ नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। तुझे पता है ना वो लोग कैसे हैं, कुछ भी बोलते सोचते नहीं है पर दिल के बुरे नहीं है शायद। तो कुछ बातें की उन्होंने जो ठीक नहीं थी, मुझे भी ठीक नहीं लगी, पर सब ठीक हो गया। आशुतोष ने खुद कहा कि उनकी गलती है, गलती मान ली, अंत भला तो सब भला है ना। डोंट वरी। और तू क्यों ऐसे देख रही है? जब तक मैं हूं ना तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और मैं भी। चलो चलो हाथ मुंह धोलो, मेरे हाथ का खाना खाना है कि नहीं? वैसे भी कुछ दिनों बाद तुझे अपने हाथ का खाना खाना पड़ेगा। पूर्वी क्या हुआ बेटा? पता नहीं, जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं ना बहुत अजीब लग रहा है। कैसे मैं घर छोड़कर जाऊंगी, आप लोगों को कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? तू कौन सा विदेश जा रही है? तू पास ही में तो है ना, जब मन करे आके हमसे मिल लेना। हा? हाँ और ऑटो से जाने के बस 65 रुपए लगते हैं, इतना नजदीक है। कोई किसी से दूर नहीं जा रहा, कोई किसी से दूर जा ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। और क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूँ तेरे इस दिल में हमेशा रहूंगी। मैं तो कहीं नहीं जा रही अपनी बच्ची को छोड़ के। चलो, भूख नहीं लगी है? बहुत। बड़ी माँ ने बहुत अच्छा कुछ बनाया होगा, चलो। क्या बनाया है? देखो पुत्र, विक्रम का फोन कब आया था, कब तक पहुंचेगा वो, क्या बोला उसने, कुछ तो बता। बीजी बता नहीं, उसने तो बस ये कहा कि आरवी का कॉल आया था और लोकेशन भेजा था कि उसे बस पिकअप कर ले, वो पता नहीं वो आता ही होगा बस। अरे उसने ये नहीं बताया कि उसे हुआ क्या है और इतनी देर क्यों लगा रहे हैं वो लोग आने। अरे उसने कुछ नहीं बताया बाबूजी, सिर्फ इतना बताया कि 20 मिनट के अंदर अंदर वो और आरवी घर पहुंच जाएंगे। आप तो टेंशन मत लो प्लीज। पर बड़े पापा अब तो काफी टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। अरे तो आ जाएंगे ना। मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ हुआ है उसे, अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आप है कि आप मेरी बात मान ही नहीं रहे। आ जाना चाहिए था अभी तक, आ जाना चाहिए था। हरलीन रिलैक्स, हरलीन, हरलीन रिलैक्स, भगवान के वास्ते तुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत हुआ है उसके साथ? आपको क्यों ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत नहीं हुआ? क्योंकि गलत नहीं हुआ है उसे भाई। अरे हरमन, हरलीन सही कह रही है, कुछ गड़बड़ है। आरवी अजमेरा की मीटिंग में नहीं पहुंचा, पहले कभी ऐसा हुआ? जी आप और वो घर भी नहीं आया और ना ही उसने हमारा फोन उठाया, और फोन किया भी तो इतनी देर बाद, और वो भी विक्रांत को लोकेशन दिया और उसे पिकअप करें, इसका मतलब साफ है कि उसके साथ कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आरवी ठीक नहीं है, आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? मेरा आरवी ठीक नहीं है। भाई ये देख। आरवी भाई क्या हुआ तेरे को? तू 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 फोन तो करता है, क्या हुआ? तू कुछ नहीं ठीक है आरवी? क्या हुआ इसको आरवी? ये चोर मैंने आपको कहा था, कैसे आए आप तक? कहा था बेटा तो ठीक है। आप सब लोग बाद में सवाल कर लेना, मुझे रेस्ट करने दो। बता ना मुझे, विक्रम सही कह रहा है, इसको अंदर ले चलो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से चलना। हां जी थोड़ी देर रेस्ट करना। Thank you.
देख क्या हो रहा है, तू 6 बार मुझे गुड नाइट बोल चुकी है लेकिन अब तक तेरी नाइट नहीं हुई, अब क्या मैं तुझे गुड मॉर्निंग बोल दूं? बता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या कुछ भी नहीं हो रहा। अरे क्या तू सो क्यों नहीं रही है? सो रही हूँ दिया, परेशान मत कर। चल दिख रहा है कितना सो रही है, खराटे ले रही है तू, उठ चल उठ। क्या उठ, बता क्या चेक कर रही फोन में? फोन में वो मैं टाइम टाइम देख रही थी। तू इतने देर से टाइम देख रही थी? चल झूठ मत बोल, बता किसके फोन का इंतजार है? देख झूठ तो मत बोलना मुझसे, ठीक है? क्योंकि झूठ बोलने के लिए जिगर चाहिए होता है, तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सच सच बता। अब बोल। नहीं मैं तुझे नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी तो तू 10 मतलब निकालेगी और बात सिर्फ एक ही है। ठीक है नहीं निकालोगी 10 मतलब, अब बता। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है लेकिन मैं फिर भी मतलब के साथ ही बताऊंगी क्योंकि तू अपना दिमाग चलाने लग जाएगी। अच्छा ठीक है बता। अब वो आरवी है ना, उसने कहा था घर पहुंचकर मैसेज करूंगा लेकिन पता नहीं अभी तक नहीं आया है। क्या हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ तो अब सो जा। अरे नहीं तू मत सो। हाँ मतलब तू अभी मत सो, तू मुझसे बात कर। अरे तू सो जा, आरवी को तो आना ही तेरे सपने में। क्या बकवास मत कर दिया। बकवास कर रही हूँ मैं? और तू जो इतना सोच रही है उसका क्या? यार तू रहने दे, तू मत बात कर। मैं मैसेज का इसलिए वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है वो ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे पता था तू 10 मतलब निकालेगी। रहने दे चल, गुड नाइट बाय। क्या हंस क्यों रही है दी? मुझे तो 7वीं बार गुड नाइट बोल चुकी है, अब पता नहीं कितने बार बोलेगी। और चल सो जा, परेशान मत कर। देख ले कहीं बेटा तो अपने ये था। सो जा दिया। गुड नाइट। गुड नाइट। 8वीं बार। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। बोलना पुत्र बता ना क्या हुआ। शाबाश पुत्र बता ना ये कैसे हुआ। भाई तू बोल तो सही, किया किसने ये, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, तो बोल। बेटा तेरी माँ बहुत टेंशन में थी, यही कह रही थी कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है, कि ये एकदम सही थी। तो कह रही थी तू उसकी बात मान लेता तो। अरे मुझे आप कंप्लीट करने दे ही नहीं रहे हो, मैं वही कह रहा था कि एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। आप लोग मुझे बोलने देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना। हाँ हाँ बेटा तू बोल, तू बोल। किसी ने इस फैमिली को बोला है कि ये फैमिली बहुत बोलती है, बहुत बात करते हैं? हाँ यार हम बहुत बोलते हैं, बहुत हम सवाल करते हैं, लेकिन तू अब साफ साफ बता, इधर उधर की फालतू बातें मत कर। अब ये बता, अभी बता, हम भी जानना चाहते हैं, बता तेरा क्या करते हैं, हमको फिक्र है तेरी, एक मिनट का पॉज प्लीज, एक मिनट। ठीक है दे दो भाई, दे दो। ठीक है बच्चे, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? आरवी? हाँ वो किसी ने कार से मेरी कार को ठोक दिया। भाई पर ये किया किसने, तू बता तो सही। कौन था वो, पकड़ा गया कि नहीं? पता नहीं कौन था, शायद था कोई नशे में, बट मैं ठीक हूँ। तुझे कहीं लगी तो नहीं? हाँ सच बता, सच बता, तुझे कहीं और लगी तो नहीं? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे क्या कह रहा है, वो नशे में था? तू गाड़ी बहुत रफ चलाता है, तू ठीक से चलाया कर गाड़ी। ठीक हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ। गाड़ी सावधानी से चलाओ, स्पेशली रात के वक्त। घर आ रहा पुत्र, संभल के आ। जी रात, ओके चलो अभी बस करो, एक काम कर तू बेटा, तू रेस्ट कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हटो हटो। क्या ही? क्या है मतलब, काढ़ा है पियो? काढ़ा नहीं माँ, मैंने वो काढ़ा पी लिया था तो हा? मुझे भूख नहीं है। काढ़ा? हाँ वो होता है ना वो करेले जैसा कड़वा। ये सारी बातें छोड़ो, बस रब दी दुआ है हमारा पुत्र ठीक है। गुड नाइट। Good night. क्या हुआ? आप लोग यहीं खड़े? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे।
आई एम टोटली फाइन, आप लोग प्लीज जाइए। सब जाइए, गुड नाइट। नहीं 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 नहीं, मैं ना, मैं अपने भाई के साथ ही सोऊंगा। क्या हुआ? और मैं अपने छोटे भाई के साथ सोऊंगा। हेलो, यहाँ कोई पार्टी चल रही है क्या? अरे आदरा, अरे अरे आरवी मेरा बेटा है, आज मैं अपने बेटे के साथ सोऊंगा। अच्छा, तुम सब यहाँ तो मैं कहाँ? मैं भी अपने पोते के साथ सोऊंगा, तुम सब अपने जाओ कमरे में। बाबूजी मेरी बात सुनिए, आपको स्लीपिंग पिल भी खानी होती है। बीजी बाबूजी को ले जाइए उनके रूम में। गुड नाइट, गुड नाइट। देखा, इसे कहते हैं घोर कलयुग। तू मुझे मेरे पोते के साथ सोने से रोकेगा? तू उतर और जा वहाँ सोफे पे, मैं अपने पोते को लोरियां सुनाऊंगा। नो 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 नो, बाबूजी प्लान चेंज करते हैं। अच्छा मान लिया आप मेरे बाप हैं। हाँ। आपकी बात मुझे माननी है। हाँ, है ना। हाँ। ए विक्रांत खड़े रह, मैं तेरा बाप हूँ। बाबूजी आप बैठिए, आप बैठिए, आप यही बैठिए। विक्रांत तू जाके काउच पे सोएगा, जा चलो। ना 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 ना, सब समझ गया मैं, बड़े होने का फायदा उठा रहे हो ना आप सब। जा रहा हूँ मैं काउच पे सोने। और सुन, ब्लैंकेट भी लेकर आ। जा। चलिए। बनी ना गल। जाओ जाओ, आउट आउट। अब मैं यहाँ पर सोऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, वैसे भी कौन आपको रोक सकता है। बैठिए। पुत्र मुझे लाते मत मारना, मैं तुझे जफ्फी डाल के सोऊंगा, तुझे मनोर कहानियां सुनाऊंगा। लेकिन खराटे मत लीजिएगा। एक मिनट, एक मिनट, जिसे जहाँ सोना है वहाँ सोए, लेकिन मेरे आरवी को कोई तंग नहीं करेगा, कोई खराटे भी नहीं मारेगा। अगर कोई परेशान करे तो मुझे बुला लेना, शिकायत करना सबकी, फिर देखना। गुड नाइट, चल हरलिन, चल गुड नाइट, चल। सब बच्चे बने हुए। डैड वो, डैड वो क्या, तू अभी तो यही खड़ा है। काउच आउट and good night, don't come back. Bauji. Kya baat hai. Purvi, main ghar pahunch ke message karunga. Tu mera koi na ho ke bhi kuch lage, tu mera koi na. Raj, kya hua bete, neend nahi aa rahi? Oho, मोबाइल देखा जा रहा है। यार क्या करता है तुम, आज की जनरेशन ना मोबाइल नहीं छोड़ता। चलो सो जाओ। नो नो नो, रिमोट डाल, गो टू स्लीप। जस्ट एक सेकंड। हां मैं समझ गया तुझे नींद क्यों नहीं आ रही, ये बत्ती जल रही है ना, बत्ती बुझानी होगी। लाइट ऑफ। शीरा भी कमाल करता है यार, फोन किया कि भाई एक प्रॉब्लम है, बस वो इतना बोल के फोन काट दिए। क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है? चाचा जी अंदर आइए। कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। सुबह से देखा नहीं? दोस्त के साथ थोड़ा काम था तो क्या हुआ जसबीर, तू इतना टेंशन में क्यों है? मैं टेंशन में हूँ मैम। नहीं नहीं, टेंशन किस बात का? आप हो मेरे साथ, डैड है, मुझे किस बात का टेंशन? टेंशन नहीं, हमारे होते हुए किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, तू जानता है ना चुनाव आने वाले, और इस बार भी हमारी पार्टी को जीतना ही है। वैसे एक कॉल आया था क्रॉस रोड 55 पर, तुम्हारी जीप देखी गई थी, तुम थे वहां पर? जस्सी भाई वो बात कर रहा हूं ना, समझ नहीं आता। सॉरी,
हाँ जस्सी, हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ कल एक एक्सीडेंट हुआ था क्रॉस रोड 55 पर, वहां तुम्हारी जीप देखी गई थी। तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं है ना बेटा? गुड। अच्छा और अगर तुम डर रहे हो और हमसे झूठ कह रहे हो, याद रखना सबसे यही कहना है। वो कहना चुनाव आ रहे हैं, हम संभाल लेंगे। गुड नाइट, ख्याल रखो हमारी इज्जत का। क्या है? अरे भाई भाई भाई, वो आरवी जिंदा है।